हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसवी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट को डाउनलोड कैसे करें ताकि आप उसको ऑफलाइन होते हुए भी एक्सेस कर सकते हो। तो हम किसी भी वेबसाइट को ऑफलाइन एक्सेस करने के लिए उसको डाउनलोड करते हैं। तो देखिए आइए दोस्तों, आज वेबसाइट को डाउनलोड करना सीखेंगे हम। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर आपको एचटी ट्रैक वेबसाइट करके सर्च करना होगा। तो उसका लोगो इस टाइप का है। तो यहाँ मैंने यहाँ वेबसाइट ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ मैं, एसोरी एप्स। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मेरी ऐप ओपन हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आप जो वेबसाइट डाउनलोड करना चाहते हो उसका प्रोजेक्ट का नाम जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। जैसे मुझे एक SMS की साइट डाउनलोड करना है तो मैं SMS की साइट डाउनलोड करने के लिए ऐसा कुछ दे देता हूँ। यहाँ पे जो वेब एड्रेस URL है आपको वो चीज़ डालनी होगी जिस वेबसाइट को आपको कॉपी करना है उसका URL यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो URL प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए पहले आप जिस वेबसाइट को डाउनलोड करना चाहते हो उसका प्रॉपर URL कॉपी कर ले। इसे मुझे हिंदी SMS तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी है। तो एक जो मुझे डाउनलोड करना वो दिख नहीं रही मुझे, DAI Daily SMS। मुझे इस वेबसाइट को डाउनलोड करना है। तो जो वेबसाइट का आपको URL एड्रेस दिख रहा है ये कॉपी करना होगा। तो मैं यहाँ से इसका URL कॉपी कर लेता हूँ। फिर जो हमारी ऐप से है इसमें आपको URL यहाँ पे पेस्ट करना होगा। ठीक है, इजीली आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। अब तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ प्रोसेस डाउनलोड होती दिखाई दे रही होगी, मतलब जो मेरी वेबसाइट है यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ कुछ काफ़ी टाइम लेगी इसलिए मैं यहाँ इसको अभी स्टॉप कर देता हूँ। आपको जो इन भी ऐप से या वेबसाइट डाउनलोड करना है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे मेरे रोक देता हूँ। ठीक है, और मैं दिखा देता हूँ अभी तक यहाँ कितनी डाउनलोड हुई है और उसको मैं ऑफलाइन कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मेरा वाईफाई बंद कर देता हूँ। तो ठीक है, मैंने मेरा वाईफाई बंद कर दिया। और जो भी अभी आपने साइट डाउनलोड की थी आप यहाँ से देख सकते हो। मैंने भी DAI Hindi SMS वाली साइट डाउनलोड की थी तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ अभी ऑफलाइन चल रहा है, मेरा नेट बंद है। और यदि आपकी पूरी वेबसाइट डाउनलोड हो गई होगी तो आप यहाँ पे किसी पे क्लिक भी करना चाहते हो तो आगे वाला पेज खुल जाएगा। जैसे मैं नेक्स्ट वाले पेज पर क्लिक करता हूँ तो मेरा नेक्स्ट वाला पेज खुल जाएगा। इस तरीके से आप पूरी वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अभी मेरे सारे फंक्शन ओपन नहीं हो रहे हैं, वो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैंने अभी मेरी पूरी वेबसाइट डाउनलोड नहीं की है। तो इस तरीके से आप कोई भी वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ वेबसाइट डाउनलोड करने का तरीका आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।